भाजपा की राजनीति क्या एक मिसाल है। इनकी राजनीति प्रताड़ित करने की राजनीति है, चाहे नौजवान को चाहे किसान को। निष्पक्ष राजनीति नहीं है और सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों से भरे हुए प्रचार की राजनीति है। आपके एक प्रत्याशी एक निर्मल स्वभाव के व्यक्ति हैं, गांव गांव घूमते हैं, आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो भाषण इन्होंने आपको दिया मैं ध्यान से सुन रही थी, वो पूरी तरह से आपकी समस्याओं के बारे में था। अब अगर भाजपा का कोई प्रत्याशी यहां आता या उनके प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आते तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करते। उसके बाद कोई अतीत की 30 साल पुरानी 40 50 साल पुरानी बात निकाल लेते, नहीं तो फिर कोई झूठा प्रचार करते। लेकिन उनकी यह हिम्मत नहीं होती कि आपकी समस्याओं के बारे में आपके सामने आकर बात करें। क्यों नहीं होती? क्योंकि 5 सालों में आपकी समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग जहां पे बस में और ट्रकों में लादकर लोगों को भर भर कर लाया जाता है, और बड़े बड़े प्रचार जिसमें पूर्ण तरह से संपत्ति का इस्तेमाल होता है। आप टीवी खोलेंगे आपको लगेगा कि इतना सुनहरा दौर आ गया है इस देश में कि मानो 60-70 सालों से किसी ने कोई काम नहीं किया, 5 सालों में सारी उपलब्धियां हुई हैं। आप अखबार को खोलेंगे तो आप ऐसे इश्तेहार देखेंगे जैसे मैंने 2 दिन पहले देखा कि बिजली की बिल पर मारी तलवार, एक बार फिर मोदी सरकार, वाह 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 वाह। गांव में गए हैं मोदी जी, अरे गांव में गए हैं, आपसे बातचीत की है, बिजली की बिल देखी है। किसकी बिजली की बिल की बात कर रहे हैं? अमेठी गई, रायबरेली गई, वाराणसी गई, चंदौली गई, भदोही गई, बांदा गई, लोगों ने मुझे अपने बिजली के बिल दिखाए। दीदी हमारे घर में बिजली नहीं है लेकिन 35,000 की बिजली बिल आई है, 50,000 की बिजली बिल आई है। और प्रचार देखे तो ऐसे लगेगा कि सारी बिजली बिलें काटी होंगी बड़े बड़े उद्योगपतियों की। जिस तरह से आपकी किसान बीमा आपसे हर महीने लेकर अपने उद्योगपति दोस्तों के जेब में डलवाते हैं, आपको मालूम है कि किसान बीमा जो हर महीने आप भरते हैं उसमें से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा 3-4 उद्योगपतियों को हुआ है। आपको वो पैसे नहीं दिखेंगे, आपके खेतों का नुकसान होगा, आप पर आपत्ति आएगी, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप में से एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसने अपने बीमा के पैसे देखे हो। किसान की आमदनी 5 सालों में हम दुगनी करेंगे, क्या किया भाई? दुगनी की। आपको उपज का दाम मिलता है? बीज और खाद मिलते हैं समय पे? नहीं मिलते ना, आधी हो गई है आमदनी। जहां जहां मैं जाती हूँ किसानों से मिलती हूँ मुझे बताया जाता है कि दीदी हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमारी उपज का दाम नहीं मिलता, हमें बीज खाद समय पे नहीं मिलते और हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है इस देश में पिछले 5 सालों में। किसने सहायता की? सहायता क्या, सुनवाई भी नहीं की। जब देश भर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सब प्रदेशों से जब किसान दिल्ली आए, पैदल चल के आए, हजारों की तादाद में आए, उनकी फोटो हमने देखी, चित्र देखे अखबारों में, पैरों पे छाले थे कि इतनी दूर से पैदल चल के आए, और उनकी सिर्फ एक मांग थी कि मोदी जी 5 मिनट के लिए हमारी समस्याओं के बारे में सुन लीजिए, हम कर्ज में डूब रहे हैं, प्रताड़ित हैं। मोदी जी ने 5 मिनट नहीं निकाले,
पांच मिनटों के लिए अपने आलीशान बंगले में से नहीं निकले कि आपसे बात कर आपकी समस्याओं को सुन तक लें। अगर सुनने का समय नहीं है तो सुलझाने का समय कहां से होगा भाई और बहनों? क्या उनको पता भी है कि उनकी नीतियों द्वारा हमारा पशु जो आप जिस तरह पर कायम है, क्या उनको इसका पता भी है कि किस तरह से आपकी बहने, मेरी बहने, महिलाएं पूरे दिन इस तपती हुई धूप में खेतों में बैठती है खेतों की चौकीदारी करने, या मेरे भाई पूरी रात खेतों में बैठते हैं खेतों की चौकीदारी करने। प्रचार तो कर रहे हैं कि बहुत बड़े चौकीदार हैं सब, लेकिन आपके खेतों की चौकीदारी करने कोई भी भाजपा का नेता नहीं आया। आपको खुद चौकीदारी करनी पड़ रही है। जिस तरह से किसान को दुख दिया है, जिस तरह से किसान को प्रताड़ित किया है इस सरकार ने, मैं समझती हूं कि इस तरह से बहुत दशकों में किसान प्रताड़ित नहीं हुआ होगा। और प्रताड़ित करने के बाद प्रचार का समय आ गया, चुनाव का समय आ गया, तो आप क्या करें? पता चल गया किसान नाराज है, तो प्रचार के समय चुनाव के दो महीने पहले किसान सम्मान योजना निकाल दी। किसान सम्मान योजना सुन लीजिए बहनों और भाइयों क्या है। किसान सम्मान योजना में इन्होंने कहा है कि हम सब किसानों के खातों में 6,000 रुपए सालाना डालेंगे। 6,000 रुपए 5 साल पहले आपको कहा था 15 लाख आएंगे आपके खातों में, नहीं आए, नहीं आए, 5 सालों के लिए नहीं आए। अब चुनाव आ गया तो लो भैया 6,000 रुपए हम डालने वाले हैं, 2,000 लीजिए, 2,000 कुछ खातों में डाले। पिछले हफ्ते पता चला कि वो 2,000 भी वापस लेना शुरू हो गया। लेकिन ये सुनिए कि अगर 6,000 रुपए आपके खातों में हर साल डालेंगे और आपके परिवार में 4 या 5 सदस्य होंगे, तो आप सोचिए कि एक सदस्य के लिए एक दिन में कितने पैसे बनते हैं। मैं बताती हूं, 2 रुपए 2 रुपए से आपका सम्मान जोड़ रहे हैं। आपको 5 सालों से नकारने के बाद आपको 2 रुपए एक सदस्य को एक दिन में देना चाह रहे हैं और सोचते हैं कि उनके देने से आप पलट जाएंगे, अपनी समस्याओं को भूल जाएंगे, आप पूरा हो जाएंगे। ये भाजपा की कुनीतियां हैं। इन नीतियों से पूरी जनता परेशान है। आपको कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाए जाएंगे, क्या हुआ? नौजवान ने पूरी उम्मीद से, पूरी आशा से भर कर इनको वोट दिया, मोदी जी आएंगे हमें रोजगार मिलेगा, भाजपा आएगी हमें रोजगार मिलेगा। 5 करोड़ रोजगार घटे इनके शासन में। नोटबंदी से 50 लाख रोजगार घटे, बनाने के बजाय इन्होंने घटाए हैं रोजगार। तो आपके सामने आकर कहेंगे क्या 24 लाख सरकारी रोजगार इनके शासन में खाली पड़े हैं? कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि किसानों को इस तरह प्रताड़ित करके, नौजवानों को इस तरह प्रताड़ित करके, जो आपने कमर तोड़ी है सबकी, उसका मरहम हम लगाएंगे कि 72,000 रुपए सालाना न्याय योजना, न्यूनतम आय योजना के जरिए सरकार किसानों और गरीबों को देगी। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि किसान के कर्ज माफ होने चाहिए, तो भाजपा के नेताओं ने कहा अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं है। राहुल जी ने सवाल उठाया कि अगर अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं है, तो आपने पिछले 5 सालों में 550,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के कैसे माफ किए? कोई जवाब नहीं आया बहनों और भाइयों, क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। आपकी बीमा उनके जेब में, जो आपके कर्ज माफ होने चाहिए
उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जैसे ही अपनी सरकार बनाई, 3 दिन के अंदर अंदर कर्ज माफ होने शुरू हो गए और रोज रोज किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं। यही है फर्क कांग्रेस पार्टी की नीतियों में और भाजपा की नीतियों में। आपको जितने भी वादे इन्होंने किए, सारे वादे एक एक करके इन्होंने तोड़े हैं। आपकी समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने इतना काम नहीं किया। प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को शक्तिशाली कहते हैं, सक्षम कहते हैं। मैं बनारस गई, बनारस उनका क्षेत्र है। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ, अमेठी उनका क्षेत्र था। जब वो प्रधानमंत्री थे, अमेठी का गांव गांव का बच्चा बच्चा उनको पहचानता था, क्योंकि वो उस गांव में जा चुके थे, उस गांव में जा चुके थे, जनता से मिल चुके थे। मैं बनारस गई, मैंने पूछा क्या मोदी जी गांव आते हैं। मुझे बताया गया कि दीदी बड़ी बड़ी मीटिंग में आते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, लेकिन एक भी बार 5 सालों में एक भी गांव में नहीं गए, एक परिवार से अपना हाल चाल नहीं पूछा, एक किसान से नहीं पूछा कि आप कैसी मुसीबतों को सह रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं आप अपना जीवन। तो यह है आपके प्रधानमंत्री, बड़े बड़े प्रचार और अंदर पूरी तरह से खोखला काम। समझ लीजिए, जब आप अपनी आवाज उठाते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूम रही हूँ, आंगनवाड़ी की महिलाओं से मिलती हूँ, आशा बहुओं से मिलती हूँ, शिक्षा मित्र से मिलती हूँ, अनुदेशकों से मिलती हूँ, रोजगार सेवकों से मिलती हूँ। सब दंग है, सब दुखी है, किसी का मानने नहीं मिला, किसी का मानने बढ़ाया नहीं, किसी का मानने घटा दिया है। जब प्रदर्शन करने के लिए निकले, लखनऊ गए, तो क्या किया गया? उन्हें पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, उन्हें जेल में डाला गया, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया, उनको कहा आप देशद्रोही हैं। कब से हमारे देश में यह सिलसिला शुरू हुआ है बहनों और भाइयों, बताइए कि जो अपना हक और अपना अधिकार मांगे, उसे आपने देशद्रोही बना दिया और अपने आप को आपने देशभक्त बना दिया। कब से यह सिलसिला शुरू हुआ है? जब से इस तरह की राजनीति इस देश में आई है, जो सोचती है कि जनता के प्रति जवाबदेह होने की कोई जरूरत नहीं है। इनके नेता सोचते हैं कि सत्ता बटोर के रखनी है अपने लिए, सत्ता में रहना है, किसी भी हालत किससे रहना है, किसी भी माध्यम से रहना है, और एक बार सत्ता हासिल हो जाती है तो जनता को भूल जाते हैं। यही इनकी सोच है। जनता के सामने आकर सच्चाई कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि सच्चाई बोलेंगे तो इनकी असलियत निकलेगी, और इनकी असलियत ये है कि इनकी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। इनकी असलियत ये है कि इनसे कमजोर और इनसे कायर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और इनकी कायरता का सबूत यही है, इनकी कायरता का सबूत यही है कि जब हजारों की तादाद में किसान इनके दरवाजे तक आए, तो छुप के अपने बंगले के अंदर बंद हुए। इनकी कायरता का मिसाल यही है कि जब SSC के छात्र दिनों के लिए पड़े रहे दिल्ली के सड़कों में, यह मांगने के लिए कि हमारी सुन लीजिए, हमें दुख है, हमें पीड़ा है, इसको सुन लीजिए, तब अपने बड़े आलीशान बंगले में बंद और चुप रहे। जब SC ST Act को हटाया, भारत बंद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला।